दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैश्विक पॉलिटिकल जगत की और वहाँ पर लोकतंत्र के बारे में, वहाँ के बड़े बड़े नेताओं की राय क्या है। दोस्तों इस समय अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव के प्रचार अपने चरम सीमा में है और इसी बीच वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे पूरी दुनिया में लोकतंत्र के बारे में फिर से बहस छिड़ गई है। तो आइए जानते हैं कि इस चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐसे किस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं जिससे दुनिया में एक अलग तरह की बहस ही छिड़ गई है। दोस्तों अमेरिकी मध्यवर्ती चुनाव के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ फिलाडेल्फिया में मचा घमासान है। बाइडेन के कार्यकाल संभालने के बाद की दौड़ के पूर्व साथी ने पहली बार फिर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं उनके डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक सभा को संबोधित करते हुए चेतावनी दी है कि देश में गर्भपात का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा और साथ ही वहां के लोकतंत्र भी खतरे में आ गया है। वहीं उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट देते हुए कोरोना महामारी का जिक्र भी किया और कहा कि हमारे नेताओं यानी हमारे पॉलिटिकल क्लास को ऐसा बंदोबस्त यानी कुछ प्लानिंग करना चाहिए तथा उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं देश 50 साल पीछे वापस न चला जाए। इन चुनावों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ फिलाडेल्फिया में अपना मंच भी साझा किया और इसी रैली के दौरान बराक ओबामा ने लोकतंत्र खतरे में है की बात कह डाली। दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दिन दक्षिण पश्चिम पेनसिल्वेनिया में कामकाजी लोगों के बीच सभा की और उन्हें संबोधित किया तथा कई तरह के वाक्य उन्होंने भी बोले। उन्होंने चुनाव को भविष्य सूचक भी करार दिया और यदि आप उन्होंने कहा कि यदि आप देश को इस विनाश से बचाना चाहते हैं तो अमेरिकी स्वप्न की अवधारणा में विश्वास रखना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि वोटरों को रिपब्लिकन पार्टी को ही मतदान देना चाहिए क्योंकि वही अमेरिकी नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम है। तो दोस्तों ये थी पूरी बात जिसमें अब अमेरिका से भी लोकतंत्र खतरे में है जैसी आवाजें उठने लगी हैं और उनके सबसे बड़े नेता वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक चुनाव प्रचार के दौरान लोकतंत्र खतरे में है जैसी बातों को उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों खबर में याद दीजिए।